से ना देखा नहीं। ये क्या है अब? तुम उस बहन जी के साथ पुणे जाना चाहते हो? आई मीन मैं चाहती थी कि हमारी प्राइवेट ट्रिप हो, प्राइवेट मोमेंट्स हो। मैंने सारी प्लानिंग भी कर ली थी। कब की प्लानिंग? जब वो प्रोड्यूसर एड का शूट लेकर आए थे और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। बड़ा क्या फायदा, तुम जाओ उस बहन जी के साथ एंजॉय करो। मुझे किसी ट्रिप पर नहीं जाना, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। फिर मतलब तुम मेरे साथ भी नहीं जाना चाहते हो? स्वीटहार्ट तुम किसी नहीं हो, तुम मेरी किस हो? मैं किसी की बात कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? ऑफ कोर्स जाना चाहता हूँ। तुम्हें जरा सी मैनर्स नहीं है। दो लोग जब प्राइवेट बातें कर रहे हैं तुम्हें सुनना जरूरी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह ऑफ कोर्स, शर्म कैसे आएगी? शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो जबरदस्ती तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ, तुम्हारे पति के गले में हाथ डालती हूँ, है ना? You know what अभी? इसलिए हमारे रिश्ते को क्या कहा? नाजायज। Are you serious? Yes. सोसाइटी इसे इज्जत की नजर से देखती है और मुझे तुम्हारे तन्नू को गिरी हुई नजर से देखती है, ऐसा कह रही थी ये। And you know what? इसने मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरी इतनी इंसल्ट की इसने, और मैं चाहती हूँ कि इससे भी वैसे ही थप्पड़ पड़े जैसे इसने मुझे मारा था। और तुम मारोगे इसे। What? Go. तुम मैं इसे कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? क्यों नहीं मार सकते तुम थप्पड़? थप्पड़ मारने के लिए इसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे इतना गुस्सा आए कि मैं कान के नीचे। इसने तुम्हारी तन्नू को थप्पड़ मारा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। I'm really angry. But मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता तन्नू। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, जो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो थप्पड़ से भी ज्यादा भयानक हो। अभी लगता है हमें इस प्लान को पोस्टपोन करना होगा। तुम कहीं छुप जाओ, अब इस पॉकेट में आ जाओ। आर यू मैड? मैं कर्टन के पीछे जा रही हूँ। मैं अभी ये क्या हो रहा? अभी दोनों मिलके पर्दे बंद कर रहे हैं, शायद हम गलत टाइम पे आए हैं। दादी बोली ना, क्या काम था? तेरे ही काम आए थे। हाँ। हमें क्या पड़ी है यहाँ आने की? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना है ना तुमने शूट पर, तो हमने सोचा पैकिंग तो करनी है ना, तो पैकिंग में मदद कर देते हैं। नहीं दादी मैं कर लूंगी ना, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? हाँ दादी, वैसे भी पैकिंग में तो एक्सपर्ट है ना? नहीं 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 बेटा, पैकिंग तुम करोगी थक जाओगी, थक के फिर सफर करोगी, फिर थक जाओगी और जाकर तुरंत जाके सो जाओगी। अगर वहाँ सो गई तो हमें खुशखबरी कैसे सुनाओगी? अच्छा भाई मुझे ये बताओ, ये एसी क्यों बंद रखा हुआ है और पर्दे भी बंद? तुम लोगों को घुटन नहीं हो रही? अरे दादी इतनी हवा तो चल रही है, ये देखो। वैसे भी ये घर है दादी, छू बीच नहीं। ठीक है हम चलते हैं, इनको पैकिंग भी नहीं करवानी, पर्दे भी नहीं खुलवाने, तो हम क्यों खड़े हैं यहाँ? चल। क्या बात बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है दादी, वो ऐसे ही कभी। अब तो तुमने चीखी। हाँ दासी, क्योंकि मैं चीखा, हर बार ये थोड़ी ना चीखेगी। और वैसे भी अगर मुंह के सामने चीखते वक्त हाथ ना रखो ना तो इन्फेक्शन फैल जाता है। दर्जी हाँ तू जाके पर्दे खोल दे, खुली हवा आएगी ना तो दोनों की छींकें बंद हो जाएंगी। ठीक है। नहीं दादी आप पर्दे मत खोलिए, पर्दे खोलेंगी तो तो हमें पर्दे दोबारा बंद करने पड़ेंगे ना? ठीक है समझ गई, चल दीदी इनके पर्दे बंद ही रहने दो। अरे पूना जाने तक